आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो मोटर होती है, तो स्टार में तो हमारा सही चलती है, पर डेल्टा में आते ही हमारी मोटर क्यों ट्रिप हो जाती है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसमें कि जो हमारे MCB या MCCB जो लगी होती है, क्या हमारा इसका आउटपुट में 440 वोल्टेज मिल रहा है। अगर यहाँ मिल रहा है तो समझो कि यहाँ तक हमारी सही है। वही सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस जब हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि R के जगह पे Y लगा देंगे, Y के जगह पे R लगा देंगे, तो वो हमारा क्या होता है, आगे हम एक ड्राइंग में, पेपर में हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे 440 चेक करने के बाद हम ओवरलोड रिले को देख लेंगे कि ओवरलोड रिले में हमारा जितने रेटिंग की हमारी मोटर है, क्या हम यहाँ पे उसका एम्पियर का सिलेक्शन सही किए हैं कि नहीं किए हैं। और दूसरी चीज कि इसमें हमारा तीन कॉन्टेक्टर होती है, एक मेन होती है, एक डेल्टा और एक स्टार। तो स्टार कॉन्टेक्टर को पहचानने के लिए इसकी जो कॉन्टेक्टर का ऊपर आउटपुट है, ये हमारा तीनों एक दूसरे में लूप होती है। यहाँ पे लूप हो जाएगा तो ये हमारे स्टार हो जाती है। और जो हमारे मोटर में 6 टर्मिनल होती है, तो वो 6 टर्मिनल वहाँ से जब हमारा स्टार्टर तक जाती है, तो एक मेन में कनेक्ट कर देते हैं जो कि RYB सीक्वेंस में होनी चाहिए, और एक डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। और डेल्टा वाला को ही हमारा स्टार क्या करता है, जब 3 सेकेंड के लिए आपस में टर्मिनल को शॉर्ट कर देता है, तो वो स्टार में हमारा मोटर चलने लगती है। तो इसको एक टाइमर से कंट्रोल किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे टाइमर दिख रहा है। इस टाइमर के थ्रू हमारा स्टार और डेल्टा में पिकअप करवाता है, और मेन हमारा परमानेंट ऑन होती है। तो इसे हमें चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मोटर में जो हम कनेक्ट किया हुआ वायर है, क्या वो सही है, हर कॉइल को 440 वोल्टेज मिल रहा है डेल्टा में कि नहीं मिल रहा है, उसको हम चेक करेंगे। जो हमारा मल्टीमीटर होता है उसके थ्रू हम चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ एक मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले ये ऑफ पोजिशन पर रहेगी, तो इसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे, जहाँ पे बजर का ये आपको चिन्ह दिख रहा है। तो इस पर हम सेट करने के बाद जो मल्टीमीटर का हमारा प्रोब है, इसको आपस में टच करके देखेंगे कि यहाँ पे साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा है, इससे हम ये जो हमारा मोटर से आया हुआ वायर है, इसको हम चेक करेंगे कि पर क्वाइल हमारा 440 वोल्टेज डेल्टा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, हम आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर आपको एक ड्राइंग के जरिए भी समझाने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस आर में हम एक प्रोब को लगा लेंगे, और आर के साथ हमारा आर में हमारा नहीं मैच होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं मैच हो रही है, यानी कि सही है, यानी कि R को छोड़ करके किसी और में मैच होनी चाहिए, क्योंकि R हमारा 440 वोल्टेज नहीं होती है। एक हमारा R में रहेगी और दूसरा B में या Y में रहेगा, जब जा करके हमारा 440 वोल्टेज होती है। तो यहाँ हम Y में लगाएंगे, Y के साथ भी मैच नहीं किया। फिर इसके बाद हम एक ब्लू में लगाएंगे, जैसे कि आपको ब्लू में दिख रहा है कि यहाँ पे साउंड दे रही है। तो R और ब्लू मिल करके हमारा 440 वोल्टेज हो गया एक कॉइल को। अब हम Y में लगाएंगे, तो मेन कॉन्टेक्टर को Y में हम लगाएंगे, जो रिले से आउटपुट हुआ है। तो Y के साथ Y नहीं मैच होनी चाहिए, कोई और मैच होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो Y के साथ में हमारा R मैच हो रहा है, यानी कि Y और R मिल करके 440 वोल्टेज हमारा कंप्लीट हो गया एक कॉइल को। अब ऐसे ही हम ब्लू को लगाएंगे, B को, तो ब्लू के साथ ब्लू में मैच नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे, नहीं मैच हो रही है, इसके साथ हम देखेंगे R में नहीं मैच हो रहा है Y, यानी कि ब्लू और एलो मिल करके हमारा एक कॉइल को 440 वोल्टेज कंप्लीट हो गया। तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट है, यानी कि हमारी मोटर के टर्मिनल को 440 वोल्टेज भी मिल रही है, और हमारा ओवरलोड डिले की कंडीशन भी सही है,
अब हम क्या करेंगे कि लास्ट हम टाइमर को देखेंगे। क्या होता है कि जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टार में चालू करते हैं। स्टार में चालू हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग जो मोटर होती है स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होती है, 3 to 5 टाइम उसका करंट ज़्यादा होती है। तो उस करंट को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइमर में कुछ मतलब कि कुछ सेकंड सेट कर देते हैं। तो वो सेकंड हमारा इतना तक हम सेट करते हैं कि हमारा मोटर जो है 70% तक रनिंग में आ जाए। अगर वो 70% रनिंग में नहीं आ रही है, जैसे ही हमारा स्टार बंद होकर के डेल्टा में आ जा रहा है, तो क्या होगा कि ओवर करंट हो जाएगा। तो ओवर करंट होगा तो हमारा रिले ट्रिप हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही 3 चीज़ चेक करनी है कि पर क्वाइल को हमारा 440 वोल्टेज मिल रहा है, हाँ चलो सही है। अब ओवरलोड रिले में हमारा सिलेक्शन सही है, ये भी हम चेक कर लेंगे। और इसके बाद हमारा यहाँ पे 440 सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक कर लेंगे। फिर टाइमर हमारा 70% हमारा मतलब कि जो रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, इसके बाद हमारा डेल्टा में आनी चाहिए, इसको हम चेक कर लेंगे। तो अब हम ड्राइंग में आपको दिखा रहे हैं कि मोटर का टर्मिनल में 440 वोल्टेज क्यों मिलती है और कैसे मिलती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिंपल ड्राइंग बनाने का कोशिश किया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका कि आर वाई बी सेम सिक्वेंस में आएगा, आर वाई बी, और यही हमारा आर वाई बी यहाँ से आउट होगा। इसी में से लूप करके हम डेल्टा में दे देंगे सेम सिक्वेंस में आर वाई बी, और यहाँ भी हम सेम सिक्वेंस में आउटपुट करेंगे। और इसको यहाँ से ला करके हम मोटर को दे देंगे जो कि स्टार करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेन कॉन्टेक्टर का आर को ला करके हम यहाँ पे आर में दे देंगे और वाई को ला करके हम यहाँ पर दे देंगे सेम सीक्वेंस में। अगर मोटर टर्मिनल को आपको पहचानना है तो मोटर टर्मिनल को पहचानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यूटी लगाएंगे, जो हमारा मल्टीमीटर में प्रोब होती है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि कौन सा टर्मिनल आपस में कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो हम बरसक कोशिश करते हैं कि इसको आमने सामने ना रखें, क्योंकि हमें सेम सीक्वेंस में यहाँ पे ला करके जोड़ने में थोड़ा अच्छा रहता है और पहचानने में भी थोड़ा आसान पड़ती है। तो हम एक दूसरे के यहाँ पे दे देंगे, यानी कि इसके हम इसके सामने नहीं देंगे, हम यहाँ पे दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे आर। तो यहाँ पे हमारा आर मैच नहीं होनी चाहिए, जैसे ये आर आ गया तो यहाँ पे आर नहीं आनी चाहिए। आर आने से क्या होगा कि आर आर कोई वोल्टेज ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूट्रल नहीं है, हमें फेस चाहिए। तो न्यूट्रल रहेगा तो हमारा 220 वोल्टेज बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है। तो आर के साथ यही लूप करके हम आर इधर से घुमा के ला कर यहाँ पे दे देंगे, तो आर आर कोई वोल्टेज नहीं बन पाएगा। तो आर के साथ हम 440 करना है तो हम डेल्टा से एक वायर को उठाएंगे, आर को नहीं लेंगे। आर के बजाय हम वाई को या बी को, दोनों में किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर के साथ हम यहाँ पे वाई को ले लेते हैं, इसको ला करके हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो एक कॉइल को आर और यहाँ पे वाई, यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पे वाई, यानी वाई। तो आर और वाई मिल करके एक कॉइल को 440 हमारा डेल्टा में मिल गया। और ये जो हमारा है वाई, वाई के साथ में हमारा वाई नहीं मैच होनी चाहिए, क्योंकि Y मैच होगा तो फिर वही कहानी बन जाएगी। तो Y के साथ में हम यानी R भी ले सकते हैं और B भी ले सकते हैं, लेकिन Y नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम Y के साथ में ब्लू को मिला देते हैं। तो ब्लू को यहाँ से लाएंगे और इसमें हम कनेक्ट कर देंगे मोटर टर्मिनल में। अब बच गया हमारा ये एक टर्मिनल, ये जो B वाला, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से बी मिल रहा है तो बी को हम छोड़ करके किसी और को पकड़ लेंगे। यहाँ पे आर बच रहा है तो हम आर को ला करके कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ला करके हम आर को कनेक्ट कर देंगे। तो इसको भी हमें 440 मिल जाएगी, बी यहाँ से और आर यहाँ से। तो बी और आर मिल करके हमारा 440 वोल्टेज
बन जाएगी। दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे स्टार को हम लेकर चल रहे हैं कि स्टार का कंसेप्ट क्या होती है और स्टार में ये 220 हर कॉइल को कैसे मिल जाती है। तो स्टार में क्या होता है, आपको पता होगा कि ये तीनों टर्मिनल को हम आपस में लूप कर देते हैं। ये लूप हमारा जो है ये कॉन्टेक्टर यहाँ से कर देती है, ये वायर ये हमारा बंद हो रहती है, डेल्टा बंद रहती है तो स्टार कनेक्ट रहती है। तो स्टार में क्या होता है कि ये जो कॉइल हमारा है ये आपस में यहाँ से इसका सर्किट ब्रेक हो जाता है, यानी कि मेन से हमारा आउटपुट से इधर आती है तो मेन चलेगी तो यहाँ पे आर वाई बी मिल जाएगा। इसके बाद यहीं से हमारा आर वाई बी शॉर्ट हो गया यहाँ पे, तो यही हमारा शॉर्ट का काम यहाँ पे करता है, यानी कि ये तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाती है। तो जब ये तीनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आर वाई बी यहाँ पे फेस मिलेगा, तो आर वाई बी मिलेगा तो आर और वाई के बीच में हमारा 440 वोल्टेज होती है, 440 वोल्टेज। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारा दो कॉइल को मिलकर के 440 मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉइल नहीं है। जब हमारा डेल्टा चलती है तो डेल्टा में हमारा एक ही कॉइल को R और यहाँ से Y मिलकर के 440 हो जाता है, लेकिन यहाँ दो कॉइल मिलने के बाद हमारा 440 वोल्टेज हो रही है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो एक कॉइल को हमारा 220 वोल्टेज आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम इसके बीच में भी देखें Y और B के बीच में तो 440 हो रही है, लेकिन दो कॉइल मिलकर के 440 हो रही है। अगर इसके बीच में भी देखेंगे तो दो कॉइल मिलकर के 440 होगा, इसके बीच में भी देखेंगे तो 440 मिलकर होगा, यानी कि दो कॉइल को 440 मिल जाती है। ऐसे करके यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे शॉर्ट है तो यहाँ से ये चला गया, यानी कि R और Y मिलकर के हमारा 440 वोल्टेज हो जाती है, यानी कि दो कॉइल को, तो एक कॉइल को हमारा 220 मिल जाती है। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आ गई होगी, ऐसे तो वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझ गए तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।